समीपस्थ ग्राम तर्री की महिला स्व सहायता समूह गांव की जागरूक महिला समूह में से एक है। यही कारण है कि आए दिन अपने सामाजिक कार्यों के चलते हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। गांव की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने न युवक मंडल के सदस्यों के साथ गांव को कोरोना संक्रमण से निजात दिलाने के उद्देश्य से गांव को पूरी तरह सैनिटाइज कराने का सोचा और फिर नवापारा नगरीय प्रशासन विभाग की मदद से पूरे गाँव को सैनिटाइज कराया गया। तर्री गाँव में कुल 20 वार्ड है जहाँ बुधवार को इन सभी वार्डो को सैनिटाइज करने का काम चला। इस दौरान सखी स्व सहायता समूह व नव युवक मंडल के सभी सदस्य मौजूद थे। समिति के सदस्यों में वर्षा मिश्रा, भारती देवांगन, पार्वती साहू, सुरेखा साहू, रेखा साहू, लता साहू, हेमा साहू, छबिला साहू, उमा साहू, रेखा साहू, मेमलता साहू, शीतल मानिकपुरी, हेमंत देवांगन, संतोष साहू, परमेश्वर देवांगन व पंडित संतोष मिश्रा ने DNX रिपोर्टर विशेषर हिरवानी को बताया कि कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को गांव में न फैलने देने के उद्देश्य से यह कार्य किया गया, जिसमें नवापारा के प्रशासनिक अधिकारी भूपेंद्र उपाध्याय के विशेष सहयोग से सोडियम हाइड्रोक्लोराइड द्वारा गांव के प्रत्येक घर को सैनिटाइज कराया गया। संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा है, इसी को ध्यान में रखकर पूर्व में भी गांव के 800 लोगों को मास्क का वितरण किया गया था। वहीं 6611 रुपए की राशि भी इकट्ठा कर PM फंड केयर में राहत कार्यों के लिए डाला गया था। वहीं समूह व नियोग मंडल की इस पहल की तारीफ गांव संतुराम सेन, मनोज सेन, कौशल साहू, देवेंद्र, रोहित आदि ग्रामीणों ने की और उनका हृदय से आभार व्यक्त किया। DNX टीवी के लिए नवापारा राजिम से विशेषर हिरवानी की रिपोर्ट। तर्री गांव के यहां पर निवासी हैं और चिड़गांव के संबंध में हमें बताएंगे सैनिटाइज हो किया गया को। जी बताएं क्या महिला समूह है, सखी सहायता समूह है, लोग की जागरूकता कारण ही यहाँ छिड़काव किया गया है, सैनिटाइजिंग छिड़काव किया, घरों पर जाके चिंतन मनन करने के बाद उनको रोकथाम किया गया है और मास्क के बारे में बताया जाता है। आप लोगों को राहत मिलेगा इस सब चीजों से? जो राहत मिलेगा सर, मौत राहत मिलेगा इनके, गांव सुरक्षित है जी। और चिंतन करके हम लोग चलते हैं और इन लोग बधाई देता हूँ कि सखी इन लोग की जो समूह है जी, बहुत जागरूकता है जी, और घर घर जाके बताते जा रहे हैं कि न कोरोना क्या है, कोरोना के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम संतुराम सिंह। ग्राम तर्री की सखी महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं आज यहाँ पर है जिन्होंने गांव को सैनिटाइज कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए ये समिति के सदस्यों से जानते हैं। जी मैम बताइए, आज जो गांव में आपने सैनिटाइज कराया है आपके समूह, उसके बारे में बताइए, कैसे आपके मन में ये प्लान आया ये सब कराने का बताइए। देश में जो कोरोना संकट है उसके मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने पहले भी कार्य किया था गाँव के लिए, बस हमारा एक कार्य रह गया था तो उसको आज हम लोग करा रहे हैं जो कि सैनिटाइज है। तो सुरक्षा और संक्रमण हटे सुरक्षा के तहत इस काम को हम लोग कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ महिला स्व सहायता समूह ही नहीं बल्कि जो हमारे नव युवक है इसमें भी हमारा इन लोगों ने भी हमारा सहयोग इसमें दिया है। पूरे गांव को सैनिटाइज किया जाएगा? पूरे गांव को किया जाएगा सर। आपका नाम? मेरा नाम वर्षा मिश्रा जी। आप लोगों के द्वारा दो इन्हें काम किया जा रहा है सैनिटाइज कराने को पूरे गाँव का जी, इस संबंध में क्या कहना? बस हम लोग ये कहना चाहेंगे, इससे पहले हम लोग वो अभी जो दीदी बताई है कि इससे पहले एक और किए थे, मास्क बनवाए थे और जो PM फंड में भी दिए थे, तो एक और बच गया था ये सैनिटाइज करने का। तो हम लोग सब मिलकर इकट्ठा मतलब ये निर्णय लिए कि चलो एक बार गांव को सैनिटाइज करवा देते हैं घर के, और इसमें हमारे महिला समूह वाले भी हैं और युवा मंडल वाले भी हैं, पूरे गाँव वालों की मतलब इसमें भागता है, चलो वही करवा देते हैं। आप लोगों का मकसद सैनिटाइज के पीछे क्या है, कि क्या चाहते हैं मूल उद्देश्य इसके पीछे? यही कि संक्रमण से बचे, हमारा गांव बचे जी और सुरक्षित रहे जी। आपका नाम? भारती देवांगन।